राज्य क्या करने, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, सभी राज्यों के चुनाव, तमिलनाडु बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की आने वाली राजनीति किस दिशा में जाएगी ये चुनाव के नतीजे स्पष्ट करेंगे, खास करके असम और पश्चिम बंगाल। देखिए अब जनता तय करेगी, जिस तरह से महाभारत पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो तो असली महाभारत से भी भारी रहा। कोरोना का डर आज भी कायम है, लॉकडाउन का भय है। एक साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 21 दिन चला था, कोरोना का युद्ध 18 दिन में खत्म हो जाएगा। कोरोना आज भी कायम है, कोरोना का पराभव नहीं हो सका, लेकिन पूरी सरकार ममता बनर्जी की पराभव के लिए एक नया महाभारत पश्चिम बंगाल के भूमि पर कर रही है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और पश्चिम बंगाल की जनता भी बहुत ही समझदार है। हम लोग यहाँ से भी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। नंदीग्राम में ममता जी की जीत 100% तय है, हमने आज सुबह जानकारी। ठीक है, बहुत बड़ी फाइट है, लेकिन ममता जी निकल जाएगी। ममता जी ने एक पत्र लिखा है सोनिया जी को और सारे विरोधकों को कि भाजपा जिस तरह से लोकशाही पर आघात कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसके खिलाफ हम सबको एक आना। देखिए, इस देश में लोकतंत्र पर हमेशा आघात होते आए, ये पहली बार नहीं। अगर किसी को लगता है कि पहली बार आघात हुआ है, ऐसा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र पर हमेशा आघात होते रहे हैं, और इस आघात के खिलाफ जनता, इस देश के विरोधी दल लड़ते आए हैं। इसलिए तो इस देश का लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहा, हमेशा। अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो या और किसी बात करते हो, तो ऐसे प्रसंग तो बहुत बार आए हैं। ममता जी ने ज़रूर एक पत्र इस देश के सभी विरोधी दलों को लिखा है कि एक साथ आकर एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए। अब उस बारे में हम सब सोचेंगे। उद्धव जी को भी लेटर आया है, शरद पवार साहब को आया है, सोनिया गांधी जी को भी आया है। ये सब बड़े नेता है इस देश के विरोधी दल की राजनीति में बहुत बड़े मायने रखते हैं। मुझे लगता है ममता जी ने एक पहल शुरू की है, और उस बारे में सबको सोचना पड़ेगा। सर, जेपी नड्डा, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से ममता जी ने लेटर लिखा है वो कौन, कौन बोल रहा है? जेपी नड्डा यही दिखाता है कि उनकी नौका भी डूबने वाली है। देखिए, जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत ही समझदार नेता है, मैं मानता हूँ उनको। बहुत ही सहज सरल भाषा में अपनी बात रखते हैं। सरकार किसी की भी हो, इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विरोधी दल को मजबूत होना भी इतना ही जरूरी होता है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता पे थी बहुत साल तक, तब हमने भी ये प्रयास किया था एनडीए के माध्यम से कि विरोधी दल मजबूत बने। तो विरोधी दल को इस तरह से नीचा दिखाना एक अच्छे लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। आप सत्ता पे बने रहिए, लेकिन आप ये भी कामना करिए नड्डा जी कि इस देश का विरोधी दल और विरोधी दलों की एक संगठन भी मजबूत रहे। या देशामधल्या ज्या चार राज्यातल्या निवडणुका आहेत, पश्चिम बंगाल असतील, आसाम असेल, केरळ असेल, तामिळनाडू असेल, ही चारही राज्य या देशाच्या राजकारणाच्या भविष्याची दिशा स्पष्ट करणार आहे। खास करून पश्चिम बंगाल आणि आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू हे दक्षिणेतल्या राज्यात काय होईल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो। पण आसाममध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचं राज्य जरी असलं तरी काँग्रेस पक्ष तिकडे तगडी फाईट देतो आहे। पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण ताकद जरी उतरवली असली तरी ममता बॅनर्जी ही एकटी वाघीण सगळ्यांना पुरून उरलेली आहे, हे चित्र स्पष्ट दिसतं आहे।
त्याच्यामुळे ह्या निकालानंतरच देशाचं राजकारण कोणत्या दिशेने जातं आहे, विरोधी पक्षांच्या नव्या आघाड्या स्थापन होऊन ते कोणती भूमिका घेत आहेत हे स्पष्ट होईल. मला असं वाटतं की लॉकडाऊन किंवा करोनाचं राजकारण कोणी करू नये. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री हे जे सांगतायत हे जनतेच्या आणि राज्याच्या हितासाठी सांगतायत. किंबहुना सगळ्या विरोधी पक्षाच्या घटक पक्षांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या हातात हात घालून महाराष्ट्रासाठी काम केलं पाहिजे. पाहू ना, या क्षणी त्यांना विश्रांतीची गरज आहे. माझा आणि सुप्रियाताईचा संपर्क सतत सुरू आहे आणि एक दोन चार दिवसामध्ये त्यांना पूर्ण बरं होऊ द्या आणि मग आम्ही त्यांच्याशी परत चर्चा करू जी का असेल. देखिए, लॉकडाऊन का समर्थन या विरोध की बात नहीं है, ये स्टेट के और देश के जरूरत की बात है. आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं. सरकार काम पे लगी है पूरी तरह से. तो देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री पूरी ताकत लगाकर ये संक्रमण का जो रफ्तार है, जो बढ़ रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें जनता का भी सहयोग चाहिए. अगर जनता का सहयोग चाहिए तो इस राज्य के जो विरोधी दल है उसने राजनीति नहीं करनी चाहिए. राजनीति से हटकर ऐसे कामों में सरकार का हाथ बटाना चाहिए तो ही ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा. चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, ये हमें भी मालूम है. उसमें नई बात क्या है? ये हमें भी मालूम, ये मोदी जी को भी मालूम है. फिर भी मोदी जी ने एक साल तक लॉकडाउन किया था ना, ये ज़रूरत है. मोदी जी ने क्या बहुत प्यार से आनंद से लॉकडाउन नहीं किया था? प्रधानमंत्री जी ने या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी जो प्रतिबंध लगाने चाहते हैं वो बहुत खुशी की बात नहीं है उनके लिए, लेकिन क्या करें. थैंक यू सर.